सम्मान करना, फिर अपनी बातें रखना। और ये तो हमारे लोकसभा के सांसद थे जो हमारे व्यापारियों की बात दिल्ली में पहुंचाएंगे और कड़े शब्दों में उसका निवारण करेंगे। मगर ये जो परशु की घटना घटी है, चैम्बर अध्यक्ष और जो दो पूर्व अध्यक्ष के द्वारा सांसद महोदय को बेइज्जत करने का कार्य किया गया है, ये बहुत दुखदायी है और निंदनीय है। आज इस घटना से पूरे रामगढ़ के व्यवसायी शर्मसार हो गए हैं और अपने आप को लज्जित समझ रहे हैं। उसका कारण एक ही है कि चैम्बर में दलाल माफिया, भू माफिया और ठेकेदार का राज होना। और जितने भी आदमी सबसे पहले सांसद महोदय से बात उठाएं, वो एक भी व्यापारी नहीं है। या तो वो जमीन दलाल हैं या भू माफिया तो ही, साथ साथ वो ठेकेदार हैं। ओसे आदमी को रामगढ़ के व्यापारी अपने प्रतिनिधि बना के गलती का एहसास कर रही है और हम लोग पूर्व अध्यक्ष भी उसको गलती का एहसास कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष को ओपन दावा करता हूँ कि उनमें नाक में शर्म हो और इसी दुर्ने घटना घट के पुनराती उनके द्वारा की गई है तो तुरंत चैम्बर की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे, चैम्बर अध्यक्ष और सचिव। क्यों कि आज ये व्यापारी संस्थान है, कहीं भी कोई व्यापारी को नुकसान होगा उसका दे टोटल रामगढ़ चैम्बर अध्यक्ष और सचिव पर आएगा। और इसी को देखते हुए रामगढ़ चैम्बर और सचिव से मैं इस्तीफा की मांग करता हूँ। उसके बाद अहम वरिष्ठ आदमियों के लिए, ये दलालों के लिए क्या आंदोलन किया जाएगा? मैं सहमत नहीं हूँ आंदोलन से। आंदोलन अपने व्यवसायी करेंगे इस दलालों को दूर करने का। और जो अपने आप को चैम्बर के आका समझते हैं, सबसे पढ़े लिखे अपने आप को रामगढ़ में समझते हैं, वो पढ़े नहीं अनपढ़ से भी बदतर हैं वो, कि जो इतने बड़े वरिष्ठ आदमी का सम्मान ना करके अभद्र भाषा का प्रयोग किए। तो ये लोग जमे रहेंगे तो ऐसे ही करते रहेंगे। तो रामगढ़ के व्यापारियों को सोचना है कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करे, ऐसा आदमी करे जो हमारा व्यापार सुरक्षित और स्वरूप चले। कॉन्फ्रेंस तो आप कर रहे हैं यहाँ पर और आप रूपरेखा बता रहे हैं आप उन लोगों के बारे में, तो आपकी कार्रवाई क्या होगी? हमारी कार्रवाई चालू है। मैं मीडिया के माध्यम से नहीं दूंगा। मैं ऐसे आदमी को औकात में लाने का कार्य जरूर करूंगा समय आने से। गलत तत्व जो अपने आप को पढ़े लिखे बोल के और आप लोग को बरगला रहे हैं, उनसे बचें। क्योंकि मैं भी पूर्व अध्यक्ष था, मुझे भी उन लोगों के द्वारा बहुत बरगलाया गया। मैं बहुत मुश्किल से बच के निकला हूँ और अभी के अध्यक्ष को बरगलाने का कार्य उन लोगों के द्वारा करके और अच्छे सम्मानित व्यक्तियों को बेइज्जत करने का कार्य किया जा रहा है। तो आपको चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते का और पूर्व अध्यक्ष होने के नाते ही मैंने और आदरणीय निवर्तमान अध्यक्ष जी बिमल बुधिया जी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस रिलीज जारी की है आज आप लोगों के समक्ष कि चैम्बर को लेकर के आप लोग धरना देने की बात कर रहे हैं। इन सभी आंदोलनों की रूपरेखा और जो घटना चैम्बर में घटित हो रही है और चैम्बर का स्तर जिस तरह से नीचे गिराया जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, अपने मन में पाले हुए द्वेष के लिए, उन सभी प्रश्नों का जवाब पूछने के लिए मेरा ये अधिकार है कि मैं चैम्बर अध्यक्ष से चैम्बर के गेट पर धरना देकर इन सभी प्रश्नों का जवाब मांगूंगा। इस धरना में और भी कोई शामिल होंगे या फिर आप ये आपको समय बताएगा। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रेलवे सब कमेटी चेयरमैन अरुण कुमार राय जी से हम बात करेंगे कि आखिर इस जो प्रकरण चल रहा है चैम्बर विवाद और भाजपा के सांसद की बेइज्जती करना, अपमान करने की बात जो चल रही है, इस पर इनका क्या विचार है और खुद इनसे जानेंगे क्या कहना है इनका। ऐसा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अभी बहुत सारी बातें उठ रही हैं कि पॉलिटिकल हो गया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि रामगढ़ चैम्बर में कोई भी पदाधिकारी रहा हुआ हो, चाहे वो कोई किसी पार्टी का, बहुत पहले भी लोग किसी पार्टी विशेष से रहे हैं, सदस्य रहे होंगे, हैं। सांसद के बेटे भी हमारे यहाँ सुबोध पांडे जी भी प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी हमारे पंकज तिवारी जी भी एक पार्टी विशेष को मेंबर हैं। बावजूद इनके कोई भी कार्य अभी तक हमने जो महसूस किया है, मैं अभी रेलवे सब कमेटी का चेयरमैन हूँ और इस जो अभी कार्यक्रम जितने हुए हैं उसमें मैं लगभग सभी में इन्वॉल्व रहा हूं,
मैंने आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं महसूस किया करते हुए देखा कि इनका किसी पार्टी विशेष से कोई लगाव है या उसमें कोई इंटरेस्ट है। चूंकि फर्स्ट डे फ्रॉम बिगनिंग जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए उसमें या तो हमारे माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधि कोई उपस्थित थे, कांग्रेस के कोई न कोई कार्यकर्ता, आजसू के कोई न कोई पार्टी के कोई न कोई सदस्य या उसके पदाधिकारी हमारे उसमें शामिल रहे और उनका सहयोग से ही हम लोग इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाए। और अभी जो घटना हुई, जो जिसकी चर्चाएं हो रही हैं, दुर्भाग्यवश मैं उस दिन वहाँ पे सभागार में नहीं उपस्थित था, हमारे कुछ और दूसरे कार्यक्रम थे जिसके तहत पता जो चला है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें जितने मेरे मतलब मेरा जो अनुभव है ये बताता है कि अभी जो माननीय सांसद हमारे हैं, झारखंड ही नहीं, मैं तो बिहार झारखंड में मानता हूँ कि सबसे टैलेंटेड और अव्वल सांसद हैं, उनका बिहेव भी वैसा नहीं मैं मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे जितने भी पदाधिकारी उस सभागार में उपस्थित थे वो ऐसे कोई पदाधिकारी नहीं थे जो कि किसी के साथ मिसबिहेव करेंगे या कोई पार्टी विशेष पे उनका उसके तरफ से बोलना चाहेंगे। ये कहीं ना कहीं कुछ मिस कंसेप्शन आया। ये जो वीडियो वायरल हुआ उसमें हल्ला हंगामा होते दिखाई दे रहा है, इस पर डायरेक्टली तो नहीं लेकिन क्या किस पर लग रहा है कि कौन किया ये? देखिए, ये कहीं ना कहीं इसको घटना नहीं मैं तो दुर्घटना ही मानूंगा, क्योंकि मैं तो बता रहा हूं कि हमने डीबीसी में किया, जिस दिन हमारे वो धरना प्रदर्शन चल रहा था उस दिन हमारे यहाँ एमएलए मतलब विधायिका मैम भी आई थी और हमारे में शामिल हुई थी, साथ ही साथ अगल और बगल में बैठे थे हमारे कुंटू बाबू, कुंटू भैया भी हमारे बगल में ही बैठे हुए थे, मैं ही मंच संचालन कर रहा था, दोनों जने उपस्थित थे। जब हम फर्स्ट डे भी कर रहे थे उस दिन सांसद प्रतिनिधि रविंदर शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित थे, तो उन लोगों ने देखा होगा कि कभी भी कैसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं रहा चैम्बर का कि ये महसूस हो कि कोई पार्टी विशेष करके। ये हो सकता है कि हमारी जो अभी हमने जिस ऊंचाई को पाया और जिस मुकाम तक इस आम जनता के तकलीफ को पहुंचाने का काम हमारे प्रेसिडेंट पंकज तिवारी जी ने किया है, इससे बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा होगा, तथाकथित नेता उससे विचलित हों, तो उनका ये अपनी सोची समझी राजनीति हो सकती है। बावजूद मैं तो ये मानता हूँ कि पंकज तिवारी का कोई कार्य ऐसा नहीं है जिससे ये लांछन लगाया जा सके कि वो किसी पार्टी विशेष के हैं, पर वो उसके लिए कार्य कर रहे हैं ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। हमारे बीच में आजसू के नगर सचिव नीरज मंडल जी हैं, हम इनसे पूछेंगे कल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सांसद जयंत सिन्हा के साथ जो घटना घटी इस पर इनका क्या कहना है। सर्वप्रथम कल की जो घटना है काफ़ी निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक सोची समझी राजनीति के तहत आज जयंत सिन्हा जी का जो कल जिस तरह से हस्तक्षेप करके उनको बेइज्जत करने का काम किया गया, ये गरिमा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को शोभा नहीं देती है। चूँकि सांसद एक जनप्रतिनिधि होते हैं और पूरे हम लोगों ने उनको चयन कर करके सांसद में भेजने का काम किया है, और किसी भी सांसद या चाहे विधायक को बुला करके घर में बुला करके बेइज्जत करने का हक अधिकार किसी को नहीं है। जो भी समस्या है समस्या रखते, समस्या का समाधान करने की बात करते, अगर सांसद महोदय उस पर जवाब नहीं देते तो आप कुछ अपनी बात को प्रतिक्रिया के रूप में रख सकते थे, लेकिन बुला करके घर में बुला करके बेइज्जत करना ये शोभनीय नहीं है, मैं इसका कड़ा भर्सना करता हूँ। और अभी कुछ दिन पूर्व हमारे माननीय सांसद गिरिडीह लोकसभा से चंद प्रकाश चौधरी जी ने रेल मंत्री से मिलकर करके जो आज हम लोग को ट्रेन का रूट को डाइवर्ट किया गया उसके संदर्भ में उन्होंने अपने पत्र लिख कर करके मांग किया है कि यहाँ पर फिर से पुनः उसी रूप से परिचालन को चालू कराए ताकि रामगढ़ की जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और जयंत सिन्हा जी बहुत ही ऊँचे तत्व के नेता हैं, उनके साथ इस तरह की घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ, और खास करके उन नेताओं से भी मैंने निवेदन करता हूँ जो साथ में रहते हैं कम से कम आप विरोध कीजिए, अगर आपके सांसद अगर हमारे बीच अगर हमारे सांसद को बेइज्जत करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें, ना कि चापलूसी करने का काम करें। और रही बात बिजली की समस्या, तो रामगढ़ की जनता पूरे यहाँ पर बिजली से घोर ग्रसित है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक मौन है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा विधायक को क्वेश्चन दाग करके सांसद से क्वेश्चन करना ये कहाँ तक की शोभा देती है। चूँकि यह राज्य सरकार का मामला, राज्य सरकार के बकाया राशि नहीं देने के कारण रामगढ़ की जनता को धन झेलना पड़ रहा है और बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मैं कड़ी विरोध करता हूँ।
मैं एकदम इस बात को मानता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ही राजनीतिकरण हो रहा है। माननीय सांसद महोदय को बुला करके, किसी अतिथि को, आप मंचासीन अतिथि को बुला करके उनको बेइज्जती करिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो सांसद है। सांसद को अपनी मर्यादा पता होती है कि क्या छीनना है क्या नहीं छीनना है। अतः मैं इस बात का विरोध करता हूँ सांसद महोदय के साथ। जो ये दर्द, ये घटना घटी है, ये निंदनीय है। आप क्या करते हैं? मैं व्यवसायी हूँ। हाँ, मेरा मोबाइल का काम है। आप भी चैम्बर से जुड़े हैं? मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाइफ टाइम मेम्बर हूँ। अच्छा जी, आप भी इस चैम्बर की घटना से? मैं दुखी हूँ, इस घटना से दुखी हूँ, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम है राजनीतिकरण नहीं करना, बल्कि युवा व्यवसायियों का, इन लोगों का दुख दर्द समझना। तो यही बोलना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष महोदय हैं माननीय श्री पंकज प्रसाद तिवारी जी, उनको ये समझना चाहिए कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो जिनके बहकावे में आ रहे हैं और जो इस टाइप के कदम उठा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको चिन्हित करके उन्हें इस उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम करें और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भलाई का काम करें, समाज सेवी का काम करें, ना कि इसको किसी पार्टी का वो कार्यकर्ता बन के काम करें। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा।